कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों द्वारा वर्तमान में किसानों को यूरिया डीएपी अधिक दाम पर मिल रहे हैं और यूरिया खाद की उपलब्धता नहीं होने के कारण किसानों को अत्यधिक परेशानी हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया, जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेश पटेल, जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह सोलंकी, ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष अशोक राठौर द्वारा ज्ञापन का वाचन किया गया। ज्ञापन को साथ ही आपको बता दें कि बड़नगर मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद कांग्रेस भी खाद कालाबाजारी इसके विरोध में मैदान में उतर आई है। मीडिया द्वारा कृषि खाद के कालाबाजारी की खबरें प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर गए हैं और कृषि खाद की कालाबाजारी का जमकर विरोध कर रहे हैं। आज बड़नगर में दिन भर कृषि खाद के कालाबाजारी करने वालों की चर्चा आम नागरिक चौपा लगाकर कर रहे हैं। बंद करो, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों को यूरिया दो, यूरिया दो, यूरिया दो। किसानों को यूरिया दो, यूरिया दो, यूरिया दो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भोपाल विषय यूरिया खाद की उपलब्धता बाबत महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि वर्तमान में किसानों को यूरिया की सख्त आवश्यकता है, किंतु यूरिया की उपलब्धता नहीं होने के कारण किसानों अभी हमने आज जिला पंचायत सदस्य राजेश जी के साथ और हमारे किसान साथियों कांग्रेस के लोगों ने हमने सबने मिलकर आज मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। इसमें मुख्य हमारी जो मांग है, एक तो किसानों को सब प्रकार का फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं है और जिसमें यूरिया की बहुत कालाबाजारी हो रही है। व्यापारी ब्लैक में इसको डबल भाव में बेच रहा है और सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं है, ऐसे में किसान परेशान हो रहा है। और दूसरी जो हमारी मुख्य समस्या है वो है बिजली की। बिजली का शेड्यूल जो अभी 6 से रात को 9 कर दिया है, जिसमें किसान परेशान हो रहा है। वो बेचारा मेहनत करने वाला किसान समय से खाना भी नहीं खा पा रहा है, न मवेशियों को घर ले जा रहा है और रात को ठंड का समय भी है। तो ऐसे में हमारी मांग है कि ये हमारी जो समस्या है, सरकार और मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दें, नहीं तो इस पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। और चूँकि वर्तमान सरकार किसानों के हित की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन यहाँ ज़मीन पर जो हकीकत आकर देखे तो ये उल्टा यहाँ पर हो रहा है और किसान परेशान है। इस बात को लेकर हम सब लोगों ने ज्ञापन। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बड़नगर से नितिन पंड्या की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों द्वारा वर्तमान में किसानों को यूरिया डीएपी अधिक दाम पर मिल रहे हैं और यूरिया खाद की उपलब्धता नहीं होने के कारण किसानों को अत्यधिक परेशानी हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया, जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेश पटेल, जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह सोलंकी, ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष अशोक राठौर द्वारा ज्ञापन का वाचन किया गया। ज्ञापन को साथ ही आपको बता दें कि बड़नगर मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद कांग्रेस भी खाद कालाबाजारी इसके विरोध में मैदान में उतर आई है। मीडिया द्वारा कृषि खाद के कालाबाजारी की खबरें प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर गए हैं और कृषि खाद की कालाबाजारी का जमकर विरोध कर रहे हैं। आज बड़नगर में दिन भर कृषि खाद के कालाबाजारी करने वालों की चर्चा आम नागरिक चौपा लगाकर कर रहे हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बड़नगर से नितिन पंड्या की रिपोर्ट।